नमस्कार, मैं हूं परिधि अग्निहोत्री और आप सभी का स्वागत करती हूं धर्म खबरी के इस भाग में। प्रसिद्ध चार धाम यात्रा के धामों में से एक जगन्नाथ मंदिर भारत में एक लोकप्रिय कृष्ण मंदिर है। श्री जगन्नाथ मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो भगवान जगन्नाथ अर्थात श्री कृष्ण को समर्पित है। ये भारत के ओडिशा राज्य के तटवर्ती शहर पुरी में स्थित है। जगन्नाथ शब्द का अर्थ जगत के स्वामी होता है। इनकी नगरी ही जगन्नाथपुरी या पुरी कहलाती है। इस मंदिर को हिंदुओं के चार धामों में से एक गिना जाता है। ये वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है जो भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। इसमें मंदिर के तीनों मुख्य देवता भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भ्राता बलभद्र और भगिनी सुभद्रा तीनों तीन अलग अलग भव्य और सुसज्जित रथों में विराजमान होकर नगर की यात्रा को निकलते हैं। मंदिर का बृहद क्षेत्र 4,00,000 वर्ग फुट में फैला हुआ है और चार दीवारी से घिरा है। कलिंग शैली के मंदिर स्थापत्य कला और शिल्प के आश्चर्यजनक प्रयोग से परिपूर्ण ये मंदिर भारत के भव्यतम स्मारक स्थलों में से एक है। मंदिर के मुख्य गर्भगृह में जगन्नाथ की लकड़ी की बारीक नक्काशीदार मूर्ति है जो काफी असामान्य है, क्योंकि अधिकांश मंदिरों में पत्थर के भित्ति चित्र है। मूर्ति को दोनों ओर लहराते हुए भाई बलराम और बहन सुभद्रा की मूर्तियां हैं। ये मंदिर भारत के अन्य श्री कृष्ण मंदिरों से अलग दिखता है। ये तथ्य है कि यहाँ की प्रक्रियाएं, प्रथाएं, संस्कार और अनुष्ठान अन्य हिंदू मंदिरों की तरह नहीं है, वे काफी अलग है। मंदिर की वास्तुकला के बारे में भी कई अनोखी बातें हैं, जैसे मंदिर की छाया कभी दिखाई नहीं देती। समुद्र के करीब होने के बावजूद आप मंदिर के परिसर में कदम रखने की गति में लहर की आवाज नहीं सुन पाएंगे। पहले मंदिर सूर्य मंदिर का एक हिस्सा था। चंदना यात्रा, स्नान यात्रा, रथ यात्रा, सयाना एकादशी और दक्षिणायन संक्रांति जैसे त्योहारों में भारी भीड़ उमड़ती है। इन सभी त्योहारों में रथ यात्रा या रथ महोत्सव मुख्य रूप से जाना जाता है। पूरी रथ यात्रा के अवसर पर तीन देवताओं को उनके विशिष्ट रथों में भक्तों द्वारा खींचा जाता है और गुंडीचा मंदिर ले जाया जाता है। जगन्नाथपुरी का ये मंदिर 3 बार टूट चुका है और तीनों बार इसका जीर्णोद्धार करके मूर्तियों की पुनः स्थापना कराई गई। इस मंदिर के आसपास कुल 30 छोटे छोटे मंदिर स्थापित हैं। कैसे पहुंचे जगन्नाथपुरी मंदिर? अगर आप हवाई मार्ग से जाना चाहते हैं तो पुरी में हवाई अड्डा नहीं है, लेकिन इसके सबसे निकट भुवनेश्वर एयरपोर्ट है, जिससे कि इसकी दूरी लगभग 53 किलोमीटर है। एक अन्य हवाई अड्डा विशाखापट्टनम में है, जिससे कि इसकी दूरी लगभग 372 किलोमीटर है। यदि आप ट्रेन मार्ग से जाना चाहते हैं तो ट्रेन द्वारा पुरी तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। मंदिर की रेलवे स्टेशन की दूरी लगभग 6 किलोमीटर है। यदि आप सड़क मार्ग से जाना चाहते हैं तो पुरी से हर बड़ा शहर सड़क मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है और यहाँ पर 24 घंटे बस सुविधा उपलब्ध है। तो ये थी हमारी प्रस्तुति जगन्नाथ मंदिर के ऊपर। आने वाले एपिसोड में हम एक और ऐसे ही मंदिर के धाम की गाथा आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक जुड़े रहिए खबरी के साथ और देखते रहिए धर्म खबरी। नमस्कार।